कुछ दिन में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी सामान किस चीज का वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। यहाँ पे गाड़ियों से ऊपर ऊपर तक भी पानी, मतलब ये जो जगह है दोस्तों ना, ये किसी जनरल से कम नहीं है। भद्रू स्टेशन जो है कन्यान से 1 किलोमीटर पीछे पड़ता है। ऐसी तो हमारी खड्डों में पानी होता है किसी टाइम पे, छोटे छोटे। ओ भाई, तो अभी आए थे हम इवनिंग वॉक के लिए और सामने की तरफ जो है प्यारा सा सनसेट हो रहा है, उसके कुछ विजुअल आपको दिखाते हैं अभी। क्या ही प्यारा नज़ारा जो है निकल के आ रहा है भाई, उस तरफ सनसेट हो चुका है लेकिन उसके बाद की जो मतलब रोशनी है ना, क्या ही प्यारी लग रही है। और हल्के हल्के बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं और ये गांव से बाहर का नज़ारा है। सामने की तरफ पड़ता है कैडरू गांव, उस तरफ पड़ता है बिड़ा और उससे आगे है फिर हमीरपुर। और आजकल जो है चारों तरफ घास ही घास, बरसात के मौसम में हरियाली हरियाली आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे, अभी निकल पड़ेंगे फिर से घर की ओर इस सनसेट का नज़ारा देखते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों अभी तक का जो शूट देखा आपने, ये पिछले दिन का था, पिछले इवनिंग में हम घूमने गए थे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ दोस्तों कि मतलब आजकल के जो मतलब व्लॉग बन रहे हैं ना, वो सारे मोबाइल से शूट हो रहे हैं, GoPro खराब हो चुका है। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे जो है वो ख़राब हुआ था और क्या क्या अभी उसके साथ चल रहा है, मतलब रिपेयर करवाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन आज मैं मतलब अभी मैं जा रहा हूँ एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए, एक मैरिज का इन्विटेशन आया हुआ था उसके लिए निकलेंगे। लेकिन भाई सुबह से जो है देखो बारिश जो है वो लगी हुई है और मोबाइल से जो वीडियो शूट होती है ना दोस्तों, उसमें स्टेबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा मतलब इशू रहता है कि स्टेबलाइजेशन जो जितनी GoPro में मिलती है उतनी मोबाइल में नहीं मिलती है। फ़िलहाल मैं जो शूट कर रहा हूँ वो सैमसंग का नोट 9 मेरे पास मोबाइल है। तो चलो जितना भी होगा दोस्तों वो आपको मतलब देखने को मिलेगा। कुछ दिन में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, या तो रिपेयर हो जाएगा या नया आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। तो सुबह से जो है ये बारिश लगी हुई है कंटिन्यू, और ऐसे में तो शादी भी क्या होगी, लेकिन जाना है तो जाना है। तो अभी तैयार हो चुका हूँ और निकलना है बस 5-10 मिनट में। थोड़े इक्विपमेंट जो वो चार्जिंग पे लगे हुए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है दोस्तों कि पूरे खेत जो है ना देख सकते हो आप कि पानी पानी, मतलब ऐसा लग रहा है कि धान की फसल है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हिमाचल में पिछले 3-4 दिन से। और आजकल जो है येलो अलर्ट भी चला हुआ है। तो अभी तो चलो देखते हैं। और मक्की के खेत में मक्की इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, इसमें अभी खाद लगानी है, लेकिन खाद लगाने के लिए धूप चाहिए और प्रॉपर धूप हो नहीं रही है, तो भी काम रुके हुए हैं। अभी रखते हैं सामान वगैरह और निकलते हैं भाई। बारिश का रुकने का तो कोई लग नहीं रहा है कि बारिश रुकेगी। और ये थोड़ा बहुत सामान है कल लाए थे, ये गाड़ी में पड़ा हुआ था, उसको भी रखते हैं भाई अंदर। बाकी ये सामान किस चीज़ का वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा भाई। चलत विमान कुलाहल हो ही, जय रघुबीर कहत सब को ही, ये दोहा कह के हम करते हैं आज के सफर की अपनी शुरुआत। कुछ टाइम से जो दोस्तों ये जगह जो है मतलब थोड़ी ठीक कर दी है, नहीं तो यहाँ पे गाड़ियों से ऊपर ऊपर तक भी पानी मतलब स्टोर हो जाता था भाई इस जगह पे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के जो है थोड़ा बहुत अब इसको सुधार कर दिया है। मतलब ऐसी बरसात हो जाए तो कोई भी यहाँ से आना प्रेफर ही नहीं करता था भाई। और हम अभी जा रहे हैं दोस्तों, मतलब मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन जो है कन्यान के पास जाना है। तो मैं जा रहा हूँ ताल बडार कैरवी डेरा प्रोल, और वहाँ से एक बोलते हैं कि शॉर्टकट नया रास्ता बना हुआ है, तो वो जाता है सीधा कन्यान के लिए। तो उस रास्ते को आज मैं प्रेफर करूँगा और आपको भी उसके थोड़े बहुत विजुअल दिखाऊँगा कि कैसा कैसा वो रास्ता बना हुआ है। और बरसात कुछ ज़्यादा ही हो रही है भाई, अभी तो मतलब स्टार्टिंग है बरसात की। तो अभी जो दोस्तों मैं पहुंच जाऊँ बढ़ार चौक पे, ये जो जगह इसको बोलते हैं बढ़ार चौक, यहाँ से जो राइट लेफ्ट वाला रोड है वो जाएगा कैरमी के लिए और राइट वाला चला जाएगा तालमहल जाओ, तालमहल नहीं महल और जाओ ताल इसके पीछे रह गया 1.5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ रुकने का जो मोटिव है दोस्तों, यहाँ से मतलब आज तो चलो बादल और बारिश का मौसम है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर दूर का जो नज़ारा है वो दिखाई देता है भाई। तो एक दो शॉट आपके साथ यहाँ से साझा करता हूँ। और चारों तरफ जो हरियाली है आज के टाइम में, और धीरे धीरे जो फॉग उठ रही है ना, वो क्या ही प्यारी लग रही है भाई। ये जो जगह है दोस्तों ना, ये किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पे भी ना, ये देखो आपको देख के पता चलेगा कि कितना गंद फैलाया हुआ है, बियर की बॉटल्स छोड़ दे। मतलब अगर आपने भाई कहीं बैठे भी हो ना, तो ऐसे मतलब अपना कचरा ऐसे मत फैला के जाओ, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई करने वाला तो कोई है नहीं। अभी चलते हैं दोस्तों अपने अगले सफर की ओर, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गए हैं, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर एकदम से बारिश जो बढ़ जा रही है।
तो अभी आगे भी देखते हैं अगर कुछ और दिखाने के लिए आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोकल डेली आते रहते हैं। डेली क्या मतलब, हर मंथ में एक दो टूर लग जाते हैं। इससे आगे का जो रूट है दोस्तों वो कभी कभार का होता है। देखो दोस्तों, पहाड़ों में मतलब काम कभी रुकते नहीं है, चाहे कितनी मर्जी बारिश हो, लेकिन ये भाई अपने पशुओं के लिए चारा लेके जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे काम जो है, चाहे मतलब बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, काम जो है वो रुकते नहीं है भाई। और मतलब पहाड़ी ये जो होते हैं बहुत मेहनती लोग हैं भाई। कैरमी बाजार से थोड़ा नीचे आने पर दोस्तों, मतलब जाओ वाली साइड पे, तो ये स्कूल पढ़ता है, न्यू विरास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये मेरा बचपन का स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने प्लस वन प्लस टू की पढ़ाई करी हुई है। अब तो काफ़ी चेंज हो गया भाई, हमारे टाइम में तो शायद दो फ्लोर हुआ करते थे। और अभी शीशा खोलूँगा तो बारिश आ जा रही है भाई, लेकिन अब तो भाई काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ये ग्राउंड वगैरह जो भी है, मतलब ये बाद की डेवलपमेंट है भाई, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब डेरा बाजार पड़ता है और यहाँ से बदरू रोपड़ी, बदरू वही स्टेशन है दोस्तों जहाँ पे मैंने जाना है। तो यहाँ से होना है हमने लेफ्ट, और राइट वाला चला जाएगा जाओ के लिए। वैसे मतलब जो ये स्टेशन है ना बदरू, यहाँ के लिए और भी जगह से रास्ते जाते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि सबसे शॉर्ट है। तो आज देख भी लेते हैं, और मतलब रोड भी वही बोलते हैं। लाल फिलहाल में नया बना है, ये घर है अपने अजय भाई का घर है। अपने अजय भाई भी फोटोग्राफी का काम करते हैं, और साथ में जो है मतलब पार्ट टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करते हैं भाई। तो अभी जो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बदरू स्टेशन पे, और बदरू स्टेशन जो है कन्यान से 1 किलोमीटर पीछे पड़ता है, और ये बहुत ही बेस्ट रोड है दोस्तों। मतलब शॉर्टकट 5 मिनट में पहुँच गया मैं तो डेरा से। और ये देखो, ये आपको सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही है ना, ये सारी कन्यान कॉलेज की हैं। बहुत फेमस जगह है भाई, यहाँ पे हेलीपैड भी है। यहाँ पे आसपास का नज़ारा है वो आपके पास थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। बारिश लगी है भाई, ऐसा है कुछ भी मतलब शूट कर ही नहीं पा रहे हैं। बाकी देखते हैं कब तक बारिश मतलब लगी रहेगी, ऐसे तो ऑलमोस्ट 2 दिन की बारिश बताई है भाई। तो अभी जो दोस्तों गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी, और गाड़ी पार्क करना भी कोई आसान काम नहीं है, गीला खेत है भाई पूरा। और इस तरफ से मैं आया था, और इस तरफ मेरे को जाना है अभी। तो अभी मैंने पूछा यहाँ पे बच्चों को भी, तो यहीं ऊपर कहीं जाके है शादी लगी हुई, और मैं आ गया हूँ बिना छाते के भाई। और बारिश जो थमने का नाम नहीं दे रही, काफ़ी देर तक मैं अपने महेश भाई उनकी शॉप पर रुका रहा, लेकिन भाई बारिश नहीं ख़त्म हो रही, तो अभी बारिश में चलना पड़ेगा। तो अभी मैं जो शादी वाले घर पहुँच, अंदर की साइड जो है डीजे लगा हुआ है, तो कॉपीराइट के चक्कर में भाई अंदर की वीडियो तो अभी बना नहीं सकता हूँ, लेकिन बाहर भी क्या दिखाऊँ। बाहर जो है कंटिन्यू अभी तक बारिश लगी हुई है भाई, बुरे हाल हैं। बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा हूँ। यहाँ पे भाई देखो नालियों में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है भाई, देखने वाला मतलब छोटा मोटा नदी का पानी है यार। ऐसी तो हमारी खड्डों में पानी होता है किसी टाइम पर। और सूज की हाल देखो, बोला क्या ही हाल तो होगी भाई, खेतों खेतों से आना पड़ा यहाँ के लिए। रात के जो भाई 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, बारिश वैसे ही पड़ी हुई भाई, पूरा भीग गया। मैं छाता लेके आया नहीं था, गलती अपनी है। अभी आ रहा हूँ घर की तरफ, शादी अटेंड हो चुकी है, कल आएंगे दोबारा। अब कल भी ऐसी बारिश बताई है, मोटी बारिश भाई, जूतों में पानी पानी है इस टाइम तो। फिर चलो घर ही जाना है। और यहाँ से जो है घर का सफ़र है मतलब 15-16 किलोमीटर, तो एक घंटा तो मान के चलो कि इतनी बारिश में लग ही जाएगा। तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज की शादी के जो भी विजुअल थे आपके साथ शेयर करें, अब कल देखते हैं कल आपको दिखाने के लिए क्या ही मिलता है। ऐसे मौसम में और कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब जो पहाड़ दरकते हैं ना, मतलब लैंडस्लाइड ही होती है ना, वो वाला मतलब टेंशन रहती है ज़्यादा, क्योंकि इस तरफ हैवी पहाड़ियाँ हैं। लेकिन चलो इस तरफ इतना कच्चा पट पहाड़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भाई 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश लगी, और कल भी ऐसा ही मौसम बताया हुआ है। तो मतलब यही लैंडस्लाइड का ही खतरा रहता है, और बीच बीच में मतलब छोटे छोटे, ओ भाई साहब आप देख रहे हो ना सड़क में कितना ही पानी खड़ा है भाई, और मेरी स्पीड कम से कम 20 या 30 की है भाई, इससे ज़्यादा भी नहीं है। इतने ज़्यादा चलना भी क्या भाई, और जगह जगह पत्थर वगैरह छोटे छोटे आए हुए हैं रोड में, कई लोगों के डंगे ढह गए हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है भाई। लेकिन असली पता तो कल मतलब एक तो जब धूप निकलेंगी उसके बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है। अभी मैं पहुँचा हूँ अम्मण जगह है, अम्मण, तो यहाँ से भी मेरा सफ़र रहता है 5-5.5 किलोमीटर का है। जैसे दोस्तों मैं टिक्कर बाजार के आसपास पहुँचा ना, तो और कुछ नहीं देखने को मिला, सिर्फ गटर की स्मेल आई भाई। लोग देखते हैं बस बारिश का मौसम है गटर खोल दो, कोई चक्कर नहीं है भाई। मतलब टिक्कर बाजार में इस टाइम ना कोई खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही ना, और रोड की हालत देखो भला,
पूरा कचरा नालियाँ हो गई हैं ब्लॉक और सारा पानी जो सड़क में बह रहा है। तो हमारा आज का सफ़र जो वो तो कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ से मतलब हार्डली 200 मीटर ये देखो ये पेड़ पूड़ गिर गए भाई सारे हुंडई वालों के, डंगा इनका पहले गिर गया है पिछली बरसात में, अभी तो बरसात शुरू हुई है भाई। और यहाँ से भी देखो नाली बंद बिल्कुल और सारा पानी जो है सड़क के थ्रू जा रहा है।